हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एम्बो बैग क्या होता है, इसका कैसे यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये देखिए, ये हमारा होता है एम्बो बैग, देख रहे हैं? ये हमारा एम्बो बैग होता है। इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा ये होता है, ये हमारा बैग होता है, एयर बैग जिसे कहते हैं। ये एयर बैग होता है और ये इसका वो होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको मार्क्स मार्क्स होते हैं इसके में, तो हम इसको मार्क्स को यूं कनेक्ट कर देते हैं। मार्क्स को हम यूं, देखिए थोड़ा निकल आया है, ये देखिए, ये हमारा होता है मार्क्स। देख लीजिए, ये मार्क्स होता है जो कि हमारे माउथ में यूं लगता है, इस कंडीशन में हमारे लगता है और यूं प्रेस कर दिया जाता है, यूं दबा दिया जाता है। जब अम्बू में आपको कनेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ, मैं इसमें ऑक्सीजन लगा दे रहा हूँ जो ये देखिए, ये मार्क्स हमारा कनेक्ट हो गया। ये देखिए, हमारा मार्क्स कनेक्ट हो गया और ये हमारा एयर होता है, जिससे कि काफ़ी मात्रा में हम एयर को, मैकेनिकल ऑक्सीजन हम पेशेंट को दे सकते हैं। जब पेशेंट हमारा रिस्पांस नहीं कर रहा होता है, पेशेंट की हालत बहुत गंभीर होती है, बहुत सीरियस हमारा पेशेंट होता है, सेचुरेशन इसका 30 आ जाता है, 40 आ जाता है और डाउन होने लगता है, तो उस कंडीशन में हम उस अम्बो बैग का यूज़ करते हैं और CPR का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट पहले तो हम इसमें, ये देखिए, इसका ये पार्ट होते हैं, एक में ये हमारा बैग लगा होता है और ये हमारा इसमें ये लगा होता है, ये इसे हम कनेक्ट कर देते हैं। देन हम इसे ऑक्सीजन कनेक्ट कर देते हैं। हम इसमें, ये देखिए, ये पार्ट होता है, इसमें ऑक्सीजन का ये पाइप है, हम इसमें ऑक्सीजन पाइप कनेक्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो बैग है ये भरने लगता है एयर से धीरे धीरे। देन हम पेशेंट को जब उसके माउथ पे हम यूं लगा देते हैं, ये देखिए, यूं यूं लगा देते हैं, ठीक है, और यूं यूं हम करते हैं, जिससे कि पेशेंट हमारा रिस्पांस करने लगता है, उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होने लगता है। देन हम उसे, ये करने के बाद हम अगर देखते हैं पेशेंट अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हम उसे बाईपैप पे, वेंटिलेटर पे ले लेते हैं, जिससे कि पेशेंट की जान बच जाती है और कोई परेशानी नहीं होती है। ये देखिए, इसमें काफ़ी मात्रा में, एक एक बार में अगर पुश करता हूँ, देखिए पुश करने का तरीका यही होता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसा ऐसा करते हैं, यूं यूं करते हैं तो इसमें एयर ही नहीं जाती पूरा। हम इसे खुलने देंगे, फिर हम इसे पुश करेंगे, देन ये अच्छे से ऑक्सीजन पेशेंट को जाएगी और पेशेंट को हम इंटूबेट कर सकते हैं, हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है। अम्बो बैग बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हम अच्छे से सीखना चाहिए हम लोगों को, और ये हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ होती है, ICU वगैरह में। ओके, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।